अगर केंद्र सरकार ने व्यापारी समाज की परेशानियां दूर नहीं की तो 2024 के चुनाव में इसका असर देख सकता है। आज होटल यश पदम में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने जीएसटी और ईडी का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो हमारे व्यापारी समाज को चुनाव में सोचना पड़ेगा। इस मौके पर अरुण अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की वजह से देश में राजस्व के अलावा नौकरियों की दिक्कत होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। अरुण अग्रवाल ने व्यापारी समाज की तरफ से 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। हम ऐसा मानते हैं कि अभी जो पूर्व सरकारें थी उस समय हम लोगों को ये माना जाता था कि व्यापारी समाज जनसंघी ख्याल का है और हम लोगों के साथ अन्याय होता था। उन मोहल्लों में अन्य दल के लोग नहीं जाते थे, कहते थे ये तो जनसंघी। जब आज सरकार बनी केंद्र और प्रदेश में तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं, हमें लगा कि अब तो हमारी सरकार है। इस सरकार में हमारे व्यापारियों के जो कष्ट हैं उनको कहने हम आए हैं और जो कष्ट हैं उनको सरकार अगर कह रही हो कि हम गलत कर रहे हैं तो उनका जो प्रतिनिधि हो कल्याण बोर्ड में तो है ये बताएं। हम अरुण अग्रवाल व्यापार मंडल में किसी दल में नहीं है। हमारा नारा है कौम पार्टी कोई भी हो पहले हम व्यापारी। व्यापारी समाज में मेरा कहने में कोई संकोच नहीं। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है इससे मेरे रिटेल ट्रेड को भारी धक्का लगा है। इसे पहले बीजेपी जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने विरोध किया था, चाहे मैं हरी मिश्रा अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश महामंत्री था। आज बीजेपी की सरकार है, ऑनलाइन ट्रेडिंग या तो बंद करें या उन पर कारपोरेट जगत में इतना टैक्स लगाएं कि हम उनकी बराबरी कर सकें, बड़ी मछली छोटी को निगल जाए। दरअसल जीएसटी में अब ईडी के अफसरों का भी हस्तक्षेप हुआ है जिससे व्यापारी वर्ग काफी चिंतित है। व्यापारियों का कहना है जीएसटी और ईडी के अफसर बेवजह उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इस परेशानी का संज्ञान लेना चाहिए ताकि व्यापारी अपना व्यापार आसानी से कर सकें। इस मौके पर अरुण अग्रवाल और अन्य व्यापारी नेताओं ने पटरी दुकानदारों को भी योजना बनाकर स्थायी करने की मांग की। इस दौरान व्यापारी नेता योगेश गोयल ने अरुण अग्रवाल को सम्मानित किया और प्रयागराज में संगठन के कार्यों की जानकारी दी। एक जीएसटी का अधिकारी जाता है और जाकर के कहता है कि ईडी वाला आ जाएगा, नहीं दो 50,000। इस घूसखोरी को रोकना होगा। हम 2-3 चीजों से सहमत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है बीजेपी का, सड़कें अच्छी हुई हैं, फ्लाईओवर ब्रिज अच्छे बने हैं, मंशा अच्छी मालूम पड़ती है सरकार की। अराजकता पे जो अंकुश लगा है उससे हमारे व्यापारियों को भी चैन मिला है। और ये भी सही है कि व्यापारी समाज के लिए जहाँ जरूरत हो हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने साथ दिया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, लेकिन हमारी विनती है कि हमारी आंसू तो पहुँचे सरकार, और हमारे आंसू पहुंचने का काम अगर नहीं होगा तो इससे नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। इसको आगाह करने भी हम इस इलाहाबाद जो हम राजनीतिक राजधानी मानते हैं इलाहाबाद को, ये कहने में इलाहाबाद आया था अपने अध्यक्ष के साथ कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया सरकार ने, अगर हमारे आंसू नहीं पहुँचे, हमें उत्पीड़न जारी रहा, हमारे साथ तमाम जातियाँ हुई, आज अगर हम बात करें तो पूरा दिन लग जाएगा, इतनी वेदनाएं, तो आप हम कह कम रहे हैं, हमारी वेदना को समझिए कि हम समाज में तालाब के पार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनवाते हैं अभी भी।